अब ये बता रहे कि उन दोनों की जान खतरे में है। इनके पति थे बंदूकें लेके पीछे पड़े उन दोनों के। भगवान, हम जानते थे, वैसे घबराहट हो रही थी, हम जानते थे कुछ करते थे, कुछ गलत हो रहा है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, लीजिए आप पानी पीजिए। हाँ पानी वानी पिला दो। अब ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब करना क्या है वो बताइए हमको। देखिए हम अपनी एक टीम लेके जा रहे हैं, चक्कर ये है कि आसपास में घना जंगल है, उन गुंडों को अपने गांव तो पता है और अपना जंगल भी, लेकिन हम उस जगह से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, इसलिए हमने पास के पुलिस स्टेशन से मदद मांगी है ताकि हम डॉक्टर साहब और मैडम तक पहुंच सके। नहीं माता जी, जिसके पास कृष्णा जैसी पत्नी है उसके साथ भगवान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कौन पति पत्नी? डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी कृष्णा। मैंने मूर्ख है भाई, देखकर तो ऐसे ही लगा था। नहीं नहीं, वो दोनों पति पत्नी नहीं है। कोई नहीं, फिर भी माता रानी उनकी रक्षा करेंगी। पहले बुरा लगता था पर अब आदत सी हो गई है। एक्चुअली अगर आप अब नहीं डांटते हो ना तो अजीब लगता है। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं। फिर तुम इस मलिए बात कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन जो खराब होने लगी है। आपको डर लगता है किसी भी चीज से? मुझे किसी भी चीज से नहीं। एक्चुअली वो बोलिए, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, बोलिए ना। अच्छा आई प्रॉमिस हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे सुई से डर लगता है। सुई मतलब इंजेक्शन? ओ हेलो मिस मलिया बात, इसमें ना कोई हंसने वाली बात नहीं है। ओके एक बहुत बात से डर लगता था कि कहीं मैं लंदन वापस ना जा पाए तो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी यहां रह पाऊंगा, अपनापन सा नहीं लगता। I feel that I don't belong to this place. जब से बाबा को खोया है ना, मन उचक सा गया इस देश से। मिस मलिया थैंक यू, तुमने लंदन आने के लिए हाँ कह दिया। वैसे खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें भी किसी बात से डर लगता होगा ना? अभी मेरे अलावा और किस बात से? अकेलेपन। दिल लगाओ, प्यार करो, रिश्ता बनाओ, फिर जब वो अचानक तुम्हें छोड़कर चला जाता है, इंसान कैसे अकेला पड़ जाता है। तो
कभी कभी जब इस आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तारे दूर से कितने पास लगते हैं एक दूसरे के, फिर भी है कितने अकेले है ना? आपको कैसे पता? हम भी यही कहने वाले थे। बस पता था बात। थैंक यू, पैर में थोड़ा दर्द कम है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह होने वाली है फिर रास्ता ढूंढेंगे। मैं तब तक जाके कुछ खाने को ढूंढता हूँ। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे पेड़, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। खाने लायक है या नहीं हम इस मलियावादी बताएंगे। उनका देश उनका ज्ञान, वैसे भी आजकल मुझसे डरती कहां है वो। वापस नहीं आ जाते तब तक आप हमें डांटेंगे नहीं, अच्छे से बात करेंगे। I know, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर वीर, आप बुरे इंसान नहीं, बस बुरा बनने की कोशिश करते हैं। वैसे खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, मेरी छोड़ो, तुम्हें किसी पास से डर लगता हो? किसी पास से डर लगता हो माना? अकेलेपन, अकेलेपन। भैया जी,
गोली लग गई। अरे तो पकड़ो साले को, चलो। कृष्णा, 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 जाइए, अब जाइए यहाँ से। कृष्णा जस्ट शट अप, ओके, जस्ट शट अप। अब जाइए यहाँ से सर। हम एक और बार अपने सर पे गलती नहीं ले सकते। आपकी लाइफ के साथ एक और बार हम गड़बड़ नहीं होने दे सकते। कृष्णा जस्ट शट अप, ओके, मिस मलिका जस्ट शट अप। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप प्लीज जाइए। कृष्णा शायद तुम भूल रही हो कि अभी भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं अपने असिस्टेंट्स को ना ऑर्डर देता हूँ, उनसे ऑर्डर लेता नहीं हूँ मैं। तुम क्या कोई डॉक्टर हो? हाँ, तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे में कितनी लाइफ है? Just be the idiot you've always been. मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साला कहाँ गए ये लोग? हे कान पकड़, हे दूरबीन ला, दे दूरबीन। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।